दोस्तों आपको बता दूं कि पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जो भी वृद्धा पेंशन है उसका आधार का प्रमाणीकरण बहुत तेजी से चल रहा है। इसके लिए प्रत्येक जिले में नोटिस जारी की जा रही है जिससे आधार सत्यापन का काम तेजी से किया जा सके। तो दोस्तों मेरा नाम है जय और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टू जय में। आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें पंचायत सहायक की मेन भूमिका होगी जो अपने ग्राम पंचायत स्तर पे अधिक से अधिक आधार KYC कर सके। तो चलिए उस नोटिस को देख लेते हैं कि और भी खबर क्या है जिससे हमें पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आप सबसे ऊपर देख सकते हैं दिया गया कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी देवरिया, समस्त उप जिला अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी जनपद देवरिया। विषय क्या है? वृद्धावस्था पेंशनरों की पात्रता एवं सत्यापन एवं आधार प्रमाणीकरण कराए जाने के संबंध में। नीचे दिया गया जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय प्राप्तांक C-2404 दिनांक 10/2022 के द्वारा वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत जनपद के वृद्धावस्था पेंशनरों की पात्रता का सत्यापन कराने हेतु सत्यापन आख्या की सूची जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराए जाने हेतु ग्राम पंचायत वार या शहरी निकाय वार्ड वार पेंशनरों की सूची आप उपलब्ध कराई गई थी। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, नीचे दिया गया है कि सूचे हो शत प्रतिशत पेंशनरों का समय से सत्यापन एवं आधार प्रमाणीकरण न कराए जाने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन या निदेशालय द्वारा रोष व्यक्त करते हुए पेंशनरों का समय से सत्यापन एवं आधार प्रमाणीकरण कराए जाने के सहित बार बार निर्देशित किया जा रहा है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि सत्यापन हेतु शेष पेंशनरों का शत प्रतिशत सत्यापन पूर्ण कराते हुए एवं मृतक अपात्र होने की अपनी स्पष्ट आख्या सत्यापित सूची जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराएं तथा जिन पेंशनरों का आधार प्रमाणीकरण पूर्ण नहीं हुआ है उनकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की सूची में अंकित पेंशनरों का तत्काल आधार प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाएगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए जो नोटिस है, जो पंचायत सहायक के लिए क्या विशेष लिखा गया है, नीचे आप देख सकते हैं दिया गया प्रतिलिपि और उसके नीचे आप देख सकते हैं दिया गया कि जिला पंचायत राज अधिकारी को इस निर्देश के साथ ही अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायत अधिकारी या पंचायत सहायकों को अपने स्तर से जिन पेंशनरों का आधार प्रमाणीकरण पूर्ण नहीं हुआ है उनका आधार प्रमाणीकरण पूर्ण कराने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। तो आप देख सकते हैं इसमें पंचायत सहायक की मेन भूमिका रखी गई है जो ग्राम पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक पेंशन को जो आधार प्रमाणीकरण है वो करा सके। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको ऐसे नए नए अपडेट सबसे पहले मिल सके।